अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खरीद से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह नईम भाई भी ठीक ठाक है, दुआएं आपकी। और नईम भाई आज का प्राइस लिस्ट लेके आ गया आप लोगों के लिए, ट्यूसडे ऑक्शन का जो प्राइस लिस्ट है 7 जून 2022 का जो प्राइस लिस्ट है ये आ गया हुआ है। ये स्टार्ट होने वाला है 7:15 में, इन गाड़ियों का जो प्राइस है वो स्टार्ट होने वाला है। तो आप देख सकते हैं ग्रीन ट्यूसडे ऑक्शन जो है ना वो प्राइस लिस्ट नईम भाई के पास आ गया हुआ है। ऑल कार ग्रीन लाइट है, रेड लाइट के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है क्योंकि रेड लाइट में नहीं है, और डिस्काउंट प्राइस में है गाड़ियाँ और अच्छी अच्छी गाड़ियाँ। इंपोर्टेड गाड़ी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। जो फर्स्ट गाड़ी है हमारा वो ये है, मर्सिडीज़ का मॉडल 2015 का मॉडल है और 94,000 में इसका बिट प्राइस स्टार्ट होने वाला है भाई। सबसे महंगा गाड़ी है मेरे ख्याल से, ये तकरीबन 1 लाख दिरहम से ऊपर जाएगा क्योंकि भाई ये बेंज़ है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी वाली जो गाड़ी है, ये टोटल मैं आप लोगों को प्राइस लिस्ट दिया वो जल्दी जल्दी दिखाता जाता हूँ। प्राइस अगर हर गाड़ी का प्राइस डिटेल में जाऊंगा तो वो लंबा हो जाएगा वीडियो, मैं साथ में आप लोगों को बताता जाता हूं कि इनका रूल क्या होता है, तरीका क्या होता है और गाड़ी यहां से कैसे ख़रीदते हैं। तो फर्स्ट जो इन लोगों का जो तरीकाकार है वो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि यहां पे आप लोगों ने एडवांस डिपॉज़िट नहीं करना होता है, फ्री एंट्री होती है, एंट्री फीस भी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त और हाई लेवल के इनके रूल और कानून हैं। बाकी एंट्री फीस नहीं है, एडवांस डिपॉजिट नहीं होता है, और नंबर तीसरे पे आ जाता है जी, आपने जैसे गाड़ी का बिट लगाना है आपने 20% सेम टाइम पे देना है और उसके बाद आप लोगों को टाइम दिया जाता है 2 दिन 4 दिन 8 दिन 5 दिन के अंदर अंदर बाकी के पैसों का अरेंजमेंट करके गाड़ी को उठा सकते हो आप लोग। आपको एक बिल लेकर सीधे मिल जाता है नॉर्मली, और बाकी जो गाड़ी के पेपर होते हैं वो होते हैं ओपन पेपर होते हैं, इंपोर्ट के पेपर होते हैं, वो आप यूएई की किसी भी रियासत में ले जाके उसका नंबर लगा सकते हो, इधर से उधर उधर से उधर ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप अजमान की गाड़ी शारजा में रजिस्टर करते हैं या शारजा की गाड़ी दुबई में रजिस्टर करते हैं तो उसको आप लोगों को ट्रांसफ़र करना पड़ता है और उसका जो फ़ीस है वो अराउंड 520 दिरहम आता है। तो ये गाड़ी आप शारजा से ख़रीद के किसी भी रियासत में इसका नंबर आप लोग इसको लगवा सकते हो, इसको रजिस्टर कर सकते हो, ट्रांसफ़र फीस नहीं रहेगी। और इन लोगों का क्या तरीकाकार होता है कि 20% सेम टाइम पे दे के आप लोगों ने गाड़ियों की बिट आगे चलाना होता है। अगर सेम टाइम पे पैसे हैं तो सब पैसे सेम टाइम पे दे के, अगर एक गाड़ी ख़रीदनी है आगे आपने बिट के साथ नहीं चलना है, लोगों के साथ नहीं चलना चाहते, तो अपनी गाड़ी के पैसे दे के गाड़ी को उठा के किसी भी गैरेज में जाके रिपेयर करके गाड़ी को वापस अपनी कंडीशन में लेके आ सकते हो। वैसे आप लोग नईम भाई के पास भी आ सकते हो, नईम भाई इधर अजमान सनाइया में होते हैं, अजमान सनाइया पानी वाला रोड, शारजा अजमान का बॉर्डर है हमारा, बॉर्डर के लाइन के ऊपर ही हैं हम लोग। और हम लोग गाड़ी का टोटल मेंटेनेंस करते हैं, डेंटिंग पेंटिंग मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन, और हाँ गर्मी ज़्यादा पड़ता है तो हम लोग गाड़ी का एसी का काम भी करता है, यानी कि गाड़ी का टोटल मेंटेनेंस करता है। कंप्यूटर भी हमारे पास है, जो लेटेस्ट वर्जन का कंप्यूटर है गाड़ियों का, क्या नाम था यार, नाम मिस हो गया है, तो वो भी हम लोगों ने अभी अभी नया लिया है क्योंकि हमारे पास जो पुराना वर्जन था वो हम लोगों ने ख़त्म कर दिया हुआ है, अभी नया वर्जन लेके आए हैं कंप्यूटर का। गाड़ी में कंप्यूटर का कुछ भी फॉल्ट होगा तो भी हम लोग बनाते हैं। तो बाकी यहाँ पे ये कितनी भी गाड़ियाँ हैं, ये देखिए टोटा एवलॉन का मॉडल है 9500 में, इसमें सस्ती गाड़ियाँ भी आप लोगों को मिल जाएंगी और महंगी वाली गाड़ियाँ भी मिल जाएंगी, स्पोर्ट्स गाड़ियाँ भी मिल जाएंगी, सलोन भी मिल जाएंगी, सेडान भी मिल जाएंगी, और फॉर्च्यूनर जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो भी आप लोगों को मिल जाएंगी। ये कितनी भी गाड़ियाँ, ये अमेरिकन इम्पोर्टेड गाड़ियाँ एकदम मस्त होती हैं, जस्ट हल्का फुल्का जो डैमेज होता है वही होता है और गाड़ी में कुछ मसला नहीं होता है। लेकिन आपने गाड़ी ख़रीदने से पहले लाजम देखना है कि इंजन गियर चेसी गाड़ी का ओके, मेन चीज़ होता है गाड़ी का चेसिस ओके होना चाहिए, वरना आप किसी को साथ लेके जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटा प्रियस का मॉडल है 2011 का, 13000 में इसका बिट प्राइस स्टार्ट होने वाला है, रेड कलर में भाई गाड़ी मस्त है। और उसके बाद है यहाँ पर अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, किया ऑप्टिमा का मॉडल है, निसान अल्टिमा का मॉडल है 13 का 12000 में, ये कितनी भी जो प्राइस आप देख सकते हैं ये फाइनल प्राइस इन लोगों का नहीं है क्योंकि काफ़ी दोस्त लोग कमेंट करते हैं, फ़ोन करते हैं कि नहीं भाई ये प्राइस की गाड़ी तो उधर लगी हुई थी, भाई ये प्राइस फाइनल नहीं होता, इनका बिट प्राइस स्टार्ट होता है इन गाड़ियों का, और ये ऊपर कहां तक जाएगा ये बिट लगाने वालों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने लोग बिट कर रहे हैं गाड़ी को, कितने तक लोग गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं। जितना आदमी बिट करेगा 500 दिरहम उसका बढ़ जाएगा, दूसरा आदमी बिट करेगा 500 बढ़ जाएगा, तीसरा आदमी बिट करेगा 500 बढ़ जाएगा, ऐसे 500-500 बिट ऊपर जाता रहेगा। जब फाइनल हो जाएगा, चौथा आदमी बिट नहीं करेगा तो गाड़ी आपको मिल जाएगी,
आप लोगों ने गाड़ी के पैसे देने हैं, और जो 5% गवर्नमेंट का वैट है, वैट बोले तो जो गवर्नमेंट का टैक्स है 5%, वो आप लोगों को देना पड़ेगा। यहाँ पे भाई जैगवार भी आया हुआ है, ब्लैक कलर में मस्त गाड़ी है, 13 का मॉडल है 15,000 में, और आप लोगों ने गवर्नमेंट का जो 5% वैट है वो भी वहाँ पे करना है। पे करने के बाद गाड़ी आपका हो गया। और मेक श्योर करें कि जो पेपर होते हैं गाड़ी के वो किसी दूसरे आदमी के हाथ नहीं लगने चाहिए, क्योंकि जो पेपर होते हैं वो ओपन पेपर होते हैं, अगर किसी के हाथ में भी वो पेपर लग गए तो बस गाड़ी गई समझो, क्योंकि आप उसके ओरिजिनल मालिक नहीं होते, जिसके पास वो पेपर होते हैं वही उसका मालिक होता है। तो बाकी क्या चीज़ें बताऊँ, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, मेरे पास कितनी भी नॉलेज है, मैं आप लोगों को साथ साथ गाइड करता रहता हूँ। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये फ्राइडे को मैं जाने वाला हूँ लाइव ऑक्शन में, आप लोगों को बताऊँगा। ऑलरेडी भी मैंने वीडियो बना रखा है कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, ग्रीन लाइट क्या होता है, रेड लाइट क्या होता है, उधर जाकर लाइव मैंने आप लोगों को बताया है कि रेड लाइट का मतलब ये है और ग्रीन लाइट का ये मतलब है, और क्या तरीक़ाकार होता है, क्या सीन होता है। और इंशाल्लाह ये जुम्मे को मैं जब जाऊँगा मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा कि लाइव आऊँ, अगर लाइव नहीं आया तो वीडियो बना के आप लोगों को पूरी डिटेल बताऊँगा कि ये गाड़ी का ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, इन इन चीज़ों का, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह डिटेल के साथ एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बाकी किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो नईम भाई का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, इनका जो लोकेशन है ना ये ऑक्शन वालों का, ये शारजा में है, नईम भाई अजमान में होते हैं, तो भाई लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं यार लोकेशन भेज दो, तो मैं लोकेशन भेज देता हूँ। अभी मुझे तो नहीं पता कि आपने किस चीज़ की लोकेशन चाहिए आपको, मैंने अपना लोकेशन भेज दिया, आदमी इधर आते हैं, भाई वो गाड़ी किधर है, गाड़ी इधर होएगा तो मिलेगा ना, आपने सिर्फ लोकेशन मंगाया और नईम भाई ने आपको लोकेशन दे दिया। इनका लोकेशन, इनका फ़ोन नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, मिल जाएगा, और वरना आप नॉर्मली भी दे सकते हैं। यहाँ पर अल नुखबा कार ऑक्शन लिखा हुआ है ना साइड में, ये अल नुखबा कार ऑप्शन आप सर्च करेंगे, कहाँ पे करना है, गूगल मैप में, जो मैप है ना यहाँ से लोकेशन ओपन करते हैं वहाँ पे जाके आप लिखेंगे ALNUKHBAH, जब ये सर्च करेंगे तो आपको अल नुखबा कार ऑप्शन शारजा 2 नंबर इंडस्ट्रियल एरिया में आपको लोकेशन ले जाएगा, तो उधर ही ये मौजूद हैं। अल नुखबा, अल करिया, न्यूयॉर्क, ये सब साथ साथ में ही हैं, तो आप लोग उधर जा सकते हो। लेकिन इनका जो बोली होता है, बिट होता है, गाड़ियाँ कब आती हैं, कब बिकती हैं, वो आप लोगों को मेरे YouTube चैनल के ऊपर से ही पता चल जाएगा। जैसे वीडियो मेरे पास आती है, प्राइस लिस्ट मेरे पास आ जाती है, तो मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेंज 2012 का मॉडल 18,000 में, भाई मस्त और हाई एंड गाड़ियाँ होती हैं। मेरे पास आप लोगों को गाड़ियाँ मिल जाएंगी, हम लोग भी वहाँ से गाड़ियाँ खरीदते हैं और ख़रीद के आगे उनको बना के तैयार करके सेल करते हैं। और आप लोगों को नईम भाई से गाड़ी ख़रीदने के क्या फ़ायदे होंगे कि नईम भाई के पास जो गाड़ी होगी वो आपको गारंटी के साथ मिलेगी। क्यों गारंटी के साथ मिलेगी, कि क्योंकि भाई हमारे पास नॉलेज है, हम लोग स्पेशलिस्ट हैं गाड़ियों के, गाड़ियों के डॉक्टर हैं, और क्या बोलेंगे, इंजन गियर चेसी का आप लोगों को गारंटी दिया जाएगा। यानी कि नईम भाई के पास से अगर आप गाड़ी ख़रीदोगे तो गाड़ी आपको एकदम रेडी कंडीशन में मिलेगा, यू जस्ट बाय एंड ड्राइव वाला गाड़ी मेरे पास अवेलेबल रहता है। और 5-7 हज़ार से लेके 10-20-30-40-50 हज़ार के ऊपर पर गाड़ी मेरे पास रहता है, तकरीबन हर तरह की गाड़ी मेरे पास तकरीबन रहती है, क्योंकि हम लोग यहाँ से गाड़ी उठाते हैं, बनाते हैं, सेल करते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया से, पाकिस्तान से और लोग आ रहे हैं, गाड़ियाँ उठा रहे हैं, और हम लोग भी बना रहे हैं, दूसरे गैरेज से भी बना रहे हैं, तो बना के आगे मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा बिज़नेस भी है और अच्छा रोज़गार है। अगर आप लोगों के पास इस्तेता है, पैसा है, तो इन्वेस्ट करें, गाड़ी ख़रीदें, इनको आप बिज़नेस करें, अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा बिज़नेस है। तो या आज का जो प्राइस लिस्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया हुआ है, तो इसी के साथ मेरे ख्याल से इस वीडियो को भी कंप्लीट करना चाहिए। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement.
Vince will pass.